नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। 12 में शनिवार देर रात थर्मल प्लांट में हुआ भयानक ब्लास्ट। बेटियों ने तोड़ी परंपरा, किया पिता का अंतिम संस्कार। सरना गांव में युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। तो चलिए खबरें अब विस्तार से। बारा जिले के छबड़ा में शनिवार देर रात थर्मल प्लांट में भयानक ब्लास्ट हो गया। इस प्लांट में और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गनीमत यह है कि वहां कोई हताहत नहीं हुई और बड़ा हादसा होते होते बच गया। जानकारी के अनुसार बारा के छबड़ा थर्मल में देर रात भयानक हादसा हो गया। सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में आग लगने से वेल्डिंग के 3 सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इससे बायलर और टबायन का काम कर रही कंपनी इंडवेल में हादसा हो गया और प्लांट में हड़कंप मच गया। सिलेंडरों के धमाकों की आवाज़ से इतनी तेज थी कि आसपास के गांव दहल गए। मौके पर थर्मल की फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया। खबर जयपुर के विराटनगर से, जहां थाना क्षेत्र के दांतली ढाणी के पास शाहपुरा मेड़ सड़क मार्ग पर देर रात गाड़ी का एक्सल टूटने से संतुलन बिगड़ गया, जिससे गाड़ी पलट गई और पलटने से 9 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची चौकी पुलिस कर्मियों ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से विराटनगर CHC पहुंचाया, जहां 7 को जयपुर रेफर कर दिया गया, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 को छुट्टी दे दी गई है। 3 सीरियस गंभीर घायल है, जिनका इलाज SMS अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार ग्राम मेड से मंडेरू बारात गई थी, जो कि देर रात मुंडेरू से मेड की तरफ वापस आ रही थी। वहीं रास्ते में दांतली की ढाणी के पास गाड़ी का एक्सल टूट गया, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी पलट गई, जिससे 9 लोग घायल हो गए। मृतक बलेसर निवासी सुभाष गुर्जर बताया जा रहा है। घायल एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। खबर जोधपुर से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरू में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इसके साथ ही भूतपूर्व विद्यार्थियों व भामाशाहों का सम्मान व 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पधारे हुए मेहमानों द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके सरस्वती वंदना के साथ किया गया। पधारे हुए मेहमानों के साथ ही विद्यालय विकास में सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों व पूर्व विद्यार्थियों का भी साफा, माला, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय के बालक बालिकाओं द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां व पर्यावरण संरक्षण के संदेश पर आधारित नाट्य प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश आसेरी ने विद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विद्यालय के भौतिक व शैक्षिक विकास हेतु अल्पकालीन व दीर्घकालिक योजनाओं को उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष रखा। विद्यालय के भौतिक विकास हेतु उपस्थित जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, भूतपूर्व विद्यार्थियों व अभिभावकों ने मिलकर लगभग 25,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लूणी विधायक महेंद्र सिंह विश्नोई ने अपने उद्बोधन में विद्यालय के भौतिक विकास हेतु आवश्यकता अनुसार सहयोग देने का भरोसा दिलाया व विदाई ले रही कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सनातन परंपरा अनुसार एक पिता की मौत के बाद उसका बेटा अंतिम संस्कार करता है, लेकिन जिनका बेटा ना हो उनके नाते रिश्तेदार इस संस्कार को पूरा करते हैं। बेटियों द्वारा पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। वहीं जमाने के साथ अब यह परंपरा बदलने लगी है। हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर चलने वाली बेटियां अब इस मिथक को भी तोड़ रही हैं। एक ऐसा ही मामला सिरोही जिले के आबू रोड में शनिवार को देखने को मिला, जहां पिता की मृत्यु पश्चात उसकी बेटी ने मुखागिन देकर पिता को इस जहान से विदा किया। जानकारी के अनुसार आबू रोड शहर थाना क्षेत्र के मनोज अग्रवाल का निधन हो गया। उनका कोई बेटा नहीं था, केवल बेटी परिवार में है। शनिवार को मनोज की मृत्यु हो गई। समाज व नाते रिश्तेदारों ने अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट तो पहुंचा दिया, लेकिन अंतिम संस्कार व मुखागिन देने की जब बारी आई तो सभी असमंजस में पड़ गए। इस बीच अग्रवाल की बेटी आगे आई और मुखागिन देने की बात कही। बेटी अपने पिता को मुखागिन देकर उनका अंतिम संस्कार किया। बेटियों द्वारा मुखागिन देने का मामला चर्चा का विषय बना रहा। और अब खबर हनुमानगढ़ के भादरा से।
गांव कलाना में सुनीता देवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में नव भारत फाउंडेशन व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संयुक्त प्रयासों से एक विशाल विचार गोष्ठी व जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपने बलबूते व ताकत के बल पर पहचान बनाने वाली नारी शक्तियों, समाज सेवी व सामाजिक कार्यकर्ताओं और खेल व राजनीतिक जगत से जुड़ी हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें राजबाला मुंड डुगराना, रेखा बादो स्वर्ण पदक विजेता, युवा नेत्री सरपंच जोगीवाला, मोनिका जांगिड़, सुमन कंवर, पूनम कंवर, नीलम पूनिया, मोहर सिंह जी जांगिड़, भादुराम चंदोरा, राजकुमार लिड़िया, महपाल शर्मा शामिल हुए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को देश के कोने कोने में पहुंचाने वाले डॉक्टर लाला राम जी गायकवाड़, घनश्याम जी व्यास, डॉक्टर गणेश राख, रोहित ताश पवार ने इस आंदोलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मुहिम को चलाते हुए उन्हें 9 साल हो गए हैं, जिसमें 2 लाख डॉक्टर, 13,000 सामाजिक संस्थाएं, 20 लाख समाज सेवी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ने बताया कि वो अब तक 18 से ज्यादा बेटियों की निःशुल्क डिलीवरी करवा चुके हैं। कार्यक्रम में मंच संचालक अजय कुमार जाखड़ ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें किताबों में पढ़ी अच्छी बातों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है, वरना बदलाव की बातें करना बेमानी होगी, और कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी ये मुहिम एक दिन जरूर सफल होगी, जिस दिन उच्च पदों पर बेटियां आसानी से होंगी और हम लिंगानुपात जैसे गंभीर मुद्दों का समाधान कर लेंगे। कार्यक्रम में सफल छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। अंत में कार्यक्रम के आयोजक सुभाष चांदोरा, नव भारत फाउंडेशन, रमेश मुदलिया व सुनीता देवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सुरेश जी झाकड़ ने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया। खबर जयपुर के पावटा से, जहां आदर्श रामलीला मंडल पावटा का 26 फरवरी 2020 का पंजीयन होने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि रामलीला मंडल पावटा में कई दशकों से स्थानीय कलाकारों द्वारा यहां रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कई दशकों बाद पहली बार इस मंडल का पंजीयन करवाया गया है। मंडल में रामलीला मंचन करने वाले कार्यकर्ताओं ने बताया कि इससे मंडल के सभी कार्य सुचारू रूप से होंगे। पूर्व विधायक फूलचंद बिंडा ने विधायक कोष से राशि स्वीकृत कर मंच को पक्का कराने का कार्य किया है। वहीं विधायक इंद्राज गुर्जर ने भी मंच में अपना योगदान देने के लिए कहा। इस मौके पर रामलीला मंडल पावटा के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आभार जताया गया। मंडल पंजीयन के अवसर पर पावटा सरपंच उर्मिला अग्रवाल, उप सरपंच राहुल चौहान, बद्री चौहान, मंडल को इस ऊंचाइयों तक पहुँचाने वाले कार्यकर्ता अमरनाथ पटेल, पूर्व अध्यक्ष बेनी प्रसाद गोड़, राधेश्याम कश्यप, महेश पारिक, सुभाष गोयल, मंडल अध्यक्ष योगेश शर्मा ने हर्ष जताया। और अब खबर राजधानी जयपुर से। हरमाड़ा थाना पुलिस सामाजिक सरोकार निभाने में कहीं पीछे नहीं है। 5 दिन पहले हरमाड़ा पुलिस ने एक चाय वाले की 2 लड़कियों की शादी में पहुंचकर बकायदा मायरा भरा और 1,11,000 रुपए कन्यादान में भी दिए। इस पहल की भी लोगों ने खूब सराहना की। इन दिनों हरमाड़ा थाना पुलिस बड़ी सेवा भावी बनी हुई है, लोग पुलिस की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी हरमाड़ा पुलिस थाने के सामने थानाधिकारी रमेश सैनी की पहल पर पुलिसकर्मियों ने सेवा कैंप लगाया है। इस कैंप में खाटू श्याम जा रहे श्रद्धालुओं को फल वितरित किए जा रहे हैं। थानाधिकारी ने बताया कि यह कैंप 3 दिन तक लगातार चलेगा और खाटू श्याम मंदिर में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को फल वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस की इस पहल के चारों तरफ सराहना की जा रही है। खबर उदयपुर से, जहां सराड़ा तहसील के महाराणा प्रताप की भूमि चावंड गांव में प्रताप संस्थान द्वारा संचालित प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल चावंड में रविवार को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ प्रताप, स्वस्थ प्रताप, स्वच्छ चावंड, ग्रीन चावंड कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा खेल कूद प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें दौड़, जलेबी कूद, टेनिस खेल और भी कई प्रकार के खेल कूद प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। खबर घड़साना से, जहां खाटू श्याम जी के विशाल जागरण से पूर्व नगर में श्याम बाबा की निशान यात्रा निकाली गई। श्याम परिवार एवं श्याम युवा मित्र मंडल सोमवार को खाटू श्याम जी का विशाल संकीर्तन महोत्सव आयोजित करेंगे। इससे पूर्व नगर में ढोल नगाड़ों के साथ विशाल यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। निशान यात्रा शुभारंभ घड़साना के श्री खाटू श्याम मंदिर से किया गया। यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से होकर रोटरी चौक, अंबेडकर चौक व धान मंडी से होती हुई अनाज मंडी स्थित हनुमान मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत कर प्रसाद वितरित किया गया। वहीं श्री श्याम परिवार कमेटी के अध्यक्ष सुभाष गर्ग ने बताया कि विशाल जागरण में भजन गायक संजय पारिक, अंजना आर्य व अमित शेरेवाल बाबा का गुणगान करेंगे। इस दौरान श्याम परिवार के सुभाष गर्ग, नरेश मित्तल, रवि जिंदल, सुभाष चाचण,
पवन गोयल, इंद्र चाड़क, अशोक लालगढ़िया, राजेश गोयल। इस दौरान श्याम परिवार के सुभाष गर्ग, नरेश मित्तल, रवि जिंदल, सुभाष चाचाण, पवन गोयल, इंद्र चांडक, अशोक लालगढ़िया, राजेश गोयल, भवानी शंकर पेडीवाल, दीपक मिड्ढा, राकेश गुप्ता, विजय गर्ग, संदीप गर्ग, विकेश किशनपुरिया, अशोक चाचाण सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। विशाल यात्रा खट्टू धाम मंदिर गढ़साना से शुरू होकर पूरी बाजार में घूमते हुए हनुमान मंदिर तक समापन होगा। उसके बाद सेट नंबर एक के नीचे पंडाल सजाया जा रहा है, जिसमें बाबा का दरबार हांसी से आ रहा है, गायक कलाकार संजय पारिक जी जयपुर से, अर्चना आ रही है दिल्ली से, कानूडा म्यूजिक ग्रुप दिल्ली से, और शेरेवाला जी सूरत से बाबा का गुणगान करने के लिए पधार रहे हैं। पूरे एरिया में एडवर्टाइजमेंट बाबा का गुणगान चरम सीमा पर है, मेला भी प्रवान पर है और खूब भव्य आज की जो निशान यात्रा है एक गंगानगर जिले की विशाल यात्रा रहेगी, भव्य यात्रा रहेगी। और कल का जो प्रोग्राम है वो भी बाबा का बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने जा रहा है। मंडी वासियों से, इलाका वासियों से निवेदन रहेगा कि बाबा के गुणगान में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर अपना जीवन सफल बनावें, क्षेत्र की खुशहाली के लिए बाबा का आशीर्वाद हम सबको चाहिए और बाबा दे भी रहे हैं। पताका ध्वजा निशान यात्रा प्रारंभ होगी श्री श्याम मंदिर से। गढ़साने के सुख समृद्धि और भविष्य के उज्जवल के लिए सभी यहाँ देवता का वासा है। सभी नागरिक बड़े प्रसन्नता के साथ, बड़ी उमंग के साथ, बड़ी धैर्य के साथ, लगन के साथ, समर्पण के साथ श्याम जी के जैसे लगे हुए हैं। इसी प्रकार से सुख समृद्धि और शांति के लिए हमारा गढ़साना जो राजस्थान में गंगानगर जिले के अंदर ये गढ़साना नगरी अलग है, न भव्य न भविष्य, यहाँ एकता के साथ सब रण मिल के रहते हैं। कल क्या आयोजन होंगे? निर्विरोध यहाँ पर सभी प्रोग्राम होते हैं और कल श्याम बाबा का जागरण है और बाहर से बम्बई दिल्ली से आएंगे कलाकार और बड़े मृदुर शब्द से अच्छी वाणी से सभी भक्तों को मोहित करके हमारे गढ़साने का धन्यवाद है जो श्याम जी की नगरी में ऐसे ऐसे मीडिया वाले पत्रकार बंधु जो हर आगे रहते हैं, जिस प्रकार से सीमा के ऊपर जवान रहते हैं, इस प्रकार हर सुख में, दुख में और संघर्ष में कहीं पर आपत्ति आए, सुख आए, समृद्धि होए, वहाँ भाग के जाते हैं बगैर बुलाए। छिपा बड़ोद स्थानीय पुलिस व जिला स्पेशल टीम 12 ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कस्बे के पुराना छबड़ा रास्ते से 9 व्यक्तियों को ताश के पत्तों पर दांव लगाते हुए गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी राम अवतार शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक 12 द्वारा अवैध कार्यों, जुआ, सट्टा, अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 9 जनों को गिरफ्तार किया। वहीं मुलजिमों के पास से 50,540 रुपए की राशि भी बरामद की गई है। खबर घड़साना से, जहां मगर सिंह कॉलोनी के 3 मकानों की चोरी की घटना को 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों का पुख्ता सुराग नहीं लगा पाए हैं। हालांकि पुलिस द्वारा आरोपियों के सुराग के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की अलग अलग टीमें इलाके की खाक छान रही हैं, तो कुछ टीमें इलाके से बाहर जाकर सर्च अभियान चला रही हैं। हालांकि अभी तक पुलिस को आरोपियों का पुख्ता सुराग नहीं लग पाया है। इसके बावजूद भी पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। वहीं इससे पूर्व चक 3 स्टार में भी दिन दहाड़े चोरी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बार बार हो रही चोरी की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं चोरों का सुराग न लगने पर इलाका वासियों में खासा गुस्सा भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ है। यहां थाना प्रभारी घटना की गहनता से जांच करने की बात कह रहे हैं, जबकि गहनता से जांच के बाद भी पुलिस को किसी भी चोर का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में पुलिस की कार्यशैली के प्रति आक्रोश है। अब खबर गंगानगर से। शहीद नगर बुड्डा जोहड़ पुरातन झील पर गुरु ग्रंथ साहिब विद्या केंद्र की नींव पत्थर रखा गया और गुरुमत समागम कराया गया, जिसमें संत समाज की मुखी उना हिमाचल से बेदी ने अपने विचार रखे। इलाके की संगत के द्वारा गुरुमत समागम पर चिंतन मंथन किया गया और हरदीप सिंह डिबडिबा की तरफ से विचार रखे गए, जिसमें संगत के द्वारा यह विचार रखा गया कि जो पुरातन में बुड्ढा जोहड़ की जो पुरातन झील करीबन 80 मुरब्बे में थी, उसको राज्य सरकार रिकॉर्ड करके और उसमें सरकारी मशीनरी के हिसाब से पुरातन झील विस्थापित की जाए और जो बुड्ढा जोहड़ का पुराना इतिहास है उसको नई पीढ़ी के लिए पेश किया जाए, जिसमें पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ा कदम है और अकाल अकेडमी 31 बीबी की बच्चियों के द्वारा शब्द कीर्तन और गुरु नानक देव जी की जीवनी के द्वारा मानव को जो संदेश दिया गया उन पर बच्चियों ने विचार रखे
और जो राजस्थान की सिख संगत हैं उसके द्वारा जो अकाल तख्त साहिब श्री हरमिंदर साहिब जो व्यवस्था चल रही है उस पर भी चिंतन मंथन किया गया, क्योंकि पुरातन समय में जब मुगलों ने दरबार साहिब पर कब्जा कर लिया था और अपनी मनमर्जी करने लगे थे उस टाइम बापा बुड्ढा जी द्वारा शहीद नगर बुड्ढा जौहर से उसको आज़ाद कराने की योजना बनाई और दो सिखों को हुक्म दिया यह जो कार्य है आप करोगे और उन्होंने उस ड्यूटी को निभाया और दरबार साहिब को आज़ाद कराया। और आज फिर शहीद नगर बुड्ढा जौहर की संगत के द्वारा बहुत गहरा चिंतन मंथन हुआ कि गुरु मर्यादा अकाल तख्त में मनमत नहीं, गुरुमत के अनुसार अकाल तख्त में फैसले लिए जाएं और जो गुरुद्वारा साहिब का संचालन प्रबंध कमेटियां या ट्रस्ट कर रहे हैं वह भी गुरुमत के अनुसार करें और इसके लिए गुरु साहिब के आगे अरदास की गई और सिख संगत को इस पर अमल करने पर जोर दिया गया और राजस्थान सिख संगत की तरफ से अरदास की गई, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बारे सरबत का भला और पूरी दुनिया में अमन शांति भाईचारा बनाए रहे इसकी भी अरदास विनती की गई। मोदरा निकटवर्ती सराना गांव में गुरुवार को एक युवक की हत्या के मामले में फरार हुए आरोपी को भीनमाल के बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दो दिन पूर्व सरना गांव निवासी नौपारा मेघवाल की गांव के आरोपी मांगू सिंह पुत्र जव सिंह राजपूत ने सिर पर वार कर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद से आरोपी फरार था। शनिवार को आरोपी आंध्र प्रदेश भागने की फिराक में बस स्टैंड पर खड़ा था। मुखबिर की सूचना पर गठित पुलिस टीम ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। गौरतलब है कि सरना निवासी आरोपी मांगू सिंह राजपूत ने मृतक नौपारा मेघवाल की पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर लज्जा भंग की थी, जिसकी शिकायत मांगू सिंह राजपूत के घरवालों को करने पर मांगू सिंह ने गांव के अखारिया के पास नौपाराम की हत्या कर दी। केंद्रीय कैबिनेट जल संकल्प शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के उसिया क्षेत्र का दौरा किया, जहां न्यू बस स्टैंड के पास स्थित शक्ति वाटिका में ग्रामीणों द्वारा शेखावत का साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान शेखावत ने ग्रामीणों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याएं सुनी, जिस दौरान ग्रामीणों ने मुख्य रूप से ओसिया में गंदे पानी की निकासी संबंधी बड़ी व क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया, जिस पर मंत्री शेखावत ने ग्रामीणों को उक्त समस्या के जल्द निकारण हेतु आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रगति करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, यहां तक कि विदेशों में भी भारत का दबदबा कायम होता जा रहा है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आमजन से सहयोग करने की अपील की और सभी को पर्यटन नगरी ओसिया को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। इस दौरान गज सिंह शिक्षण संस्थान के कोषाध्यक्ष हुकुम सिंह भाटी, सचिव पदम सिंह ओसिया, बन्नी सिंह गिंगाला, करण सिंह उदावत, कुंदन सिंह, राणू सिंह भाटी, हरिनारायण सिंह राठौड़, दिलीप सिंह तवर, राजेंद्र सिंह शेखावत, सवाई सिंह नाड़सर, नंद किशोर चांडक, मगराज गर्ग, अनिल हेम सिंह भाटी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। तो वहीं ओसिया उपखंड के रामनगर गांव में एक शाम वीर तेजाजी के नाम भव्य भजन संध्या समारोह का पोस्टर विमोचन किया गया। विमोचन के दौरान उपस्थित मुख्य अतिथि रावत राम गोदारा ने बताया कि तेजाजी के आदर्शों को अपने जीवन में स्थापित करें और उनके बताए गए सदमार्ग पर चले जिससे जीवन उन्नत हो सके। साथ ही रावत राम ने बताया तेजाजी के आदर्शों को हर एक इंसान के अपने जीवन में स्थापित करने के लिए जोर दिया। आयोजन समिति के ऊर्जा राम गोदारा ने बताया कि एक शाम वीर तेजाजी के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन हरबूड़ा नाड़ा शिवसागर सामराऊ में आगामी 13 मार्च को होने जा रहा है, जिसमें भजन गायक कलाकार तुलसाराम बनगावा एंड पार्टी आसोप द्वारा भजनों की भक्तिमय प्रस्तुतियां दी जाएगी। इस भव्य जागरण के आयोजनकर्ता वीर तेजाजी पैदल यात्रा संघ एवं समस्त ग्रामवासी हैं। वीर तेजाजी पैदल यात्रा संघ ओसिया क्षेत्र से लगातार पिछले 5 वर्षों से वीर तेजाजी मंदिर खरनाल के लिए पैदल यात्रा लेकर जाता है और वीर तेजाजी पैदल यात्रा संघ द्वारा आयोजित लगातार दूसरी बार यह तेजाजी महाराज का जागरण है। खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।